ओम शांति। आज हम सब लोग भगवान श्री राम के महान व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। इनके जैसा महान व्यक्तित्व पूरे विश्व में बहुत कम लोग हुए हैं, और जिन्होंने अपने भाइयों के साथ पूर्णतया एक आदर्श भाईचारा निभाया है, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ प्रबल मित्रता निभाई है, और एक पत्नी के साथ पत्नी धर्म निभाया, राजा होने के नाते राजकर्तव्य निभाया, और राजा और अपने पत्नी व्रत में जब समझौता करना पड़ा तो उन्होंने राज काज को प्रमुखता प्रदान किया। तो ऐसे बहुत सारे मानवीय गुण हैं राम में, जो उन्हें एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम सबके बीच उपस्थित करते हैं। यही कारण है कि सनातन काल से लेकर के आज तक, सनातन काल इसलिए कह रहे हैं, कहते हैं कि हर अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध भूषणता। तो जिस प्रकार से राम का जीवन है वह हम सब के लिए आदर्श और प्रेरणा का विषय है कि हम कर्मठता को और अपने भीतरी आनंद को हर विपरीत परिस्थिति में भी बनाए रखें, और मानव के समान रोएं और मानव के समान प्रयास करें। यह राम के जीवन से हम सीख सकते हैं। जब सीता का हरण हुआ तो भगवान श्री राम बहुत ही विलाप किए, तो विलाप करने से ही हमारे दुख और तनाव बहुत ज़्यादा खत्म होते हैं। यह सीख भी हम राम से ले सकते हैं। अपने तनाव को उन्होंने कभी छिपाया नहीं, यह भी बहुत बड़ा उनके जीवन से हम सबके लिए सीख है कि अगर हमें दुख की बात आए तो वहाँ रो लेने में भी, अपने तनाव को व्यक्त करने में भी जरा सा पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन उस तनाव को दूर करने के लिए जो प्रयास करने होते हैं उन प्रयासों में भी हमें लगना चाहिए। यह उनकी जीवन से हमें बहुत ही जबरदस्त प्रेरणा मिलती है। सीता हरण के पश्चात विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने जो प्रयास किया है वह न केवल भारतीय इतिहास में वरन पूरे विश्व मानवता के इतिहास में ऐसे प्रसंग बहुत कम मिलते हैं, जबकि उनके पास साधन भी बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता से साधनों को पैदा किया, बनाया। तो यह भी एक बहुत बड़ा आदर्श था कि बानर जैसे लोग उनकी सहायता किए, और रावण की विशाल सेना को उन्होंने जो परास्त किया वह इनके प्रबल मैनेजमेंट का एक आदर्श है। और मैनेजमेंट ऐसा हो कि जब परिस्थितियां विपरीत हों तभी मैनेजमेंट की कुशलता का प्रमाण मिलता है, कुशलता सिद्ध होती है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने जो एक प्रबल आदर्श किया वह भी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा आदर्श है जो शायद ही कम लोग प्रस्तुत कर पाते हैं। तो राम, जिनका नाम लेने से लोग कहते हैं कि लोग भाव सिंधु से तर जाते हैं, उन्होंने अपना जीवन इतने ज्यादा संघर्ष और दुखों में जिया, और हर कदम कदम पर उनके पास विपरीत परिस्थितियां आती थीं, लेकिन उन परिस्थितियों को अपने साहस धैर्य से उन्होंने सामना किया। राम के जो धैर्य है वह जब भरत जी सेना लेके आ रहे थे उस समय लक्ष्मण जी पूरी तरह से अधीर हो गए, और उन्हें लगा कि भरत जी राम के विनाश के लिए आ रहे हैं, लेकिन राम के पास इतना धैर्य था कि बड़े सहज भाषा में उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, यह बिल्कुल ही असत्य बात है, भरत जैसा भाई ऐसा कदापि नहीं कर सकता, और सेना वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए लाया है, आप उसे निश्चिंत रहें। भरत का जो प्रेम है वह धरती का साम्राज्य पाने पर भी कम नहीं होगा। तो उनका जो यह अटूट एक विश्वास था यह भी बहुत बड़ा आदर्श है। और जहाँ पर आज भाई भाई, मित्र मित्र और सगे संबंधियों में कोई प्रेम नहीं है, उस समय हमें भगवान श्री राम से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, और अपने सगे संबंधियों में, अपने मित्रों में और जो हमारे पहचान वाले हैं उन सब में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी चाहिए, ताकि लोग आपके ऊपर विश्वास करें। आपके आदर्श इतने ऊंचे हों कि गरीब सबरी जैसे गरीब लोग भी आपको अपना नेता माने, आपको अपना आदर्श माने। यह है बहुत बड़ा आदर्श है। तो आज के दिन आप सबने हमारी ये वीडियो देखी, सबको धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।